अंधेरों से उजालों की ओर सफर के लिए बेटर लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं अपलोड किए जाने वाले वीडियोस की जानकारी सबसे पहले पाएं। जीवन के तीन बड़े रोग, क्या सोचेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग और क्या करेंगे लोग। आपने अपने जीवन में इस परेशानी का सामना अक्सर किया होगा। इनके समाधान के लिए आपने कुछ वीडियोस भी देखे होंगे और आज इसी क्रम में एक वीडियो और उपयोगी साबित होगा आपके लिए, इसी उम्मीद के साथ, क्योंकि इस विषय को गहराई से समझकर इसमें अनुभव आधारित समाधान प्रस्तुत किए गए हैं, मतलब कि हल निकाला गया। इसमें दो कारगर उपायों पर आप जानेंगे और काफी हद तक इस रोग से छुटकारा भी पा लेंगे, इसी उम्मीद के साथ चलिए शुरू करते हैं। पहला उपाय है कि आपके लिए अन्य लोग आपके बारे में जो सोचते हैं, कहते हैं और करते हैं, उसी तरह आप भी अन्य लोगों के लिए उनके बारे में सोचने, कहने और करने वाले लोगों की श्रेणी में आते हैं। बस इसी पहलू को पकड़ना है। आप अन्य लोगों की सफलता या असफलता पर खुश होते हैं या दुखी होते हैं, ईर्ष्या करते हैं या मददगार साबित होते हैं, या रुकावट पैदा करने वाले होते हैं या फिर न्यूट्रल रहते हैं, आप ईमानदारी से इस बात को लिख दीजिए, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, पूरी ईमानदारी के साथ उसे लिख दीजिए। आपको इसको किसी को पढ़ाना नहीं है बल्कि खुद पढ़ना है। आप जानकर हैरान रहेंगे कि आप जिसे दिलो जान से चाहते हैं उसकी सफलता पर आप खुश होते हैं और वह अगर असफल हो जाए तो आप दुखी हो जाते हैं। आप उसके लिए मददगार साबित होने की भी कोशिश करते हैं। अगर आधी रात को भी उनको जरूरत पड़ती है तो आप तैयार मिलते हैं। आप जिनसे नफरत करते हैं उनकी सफलता को आप देखकर दुखी होते हैं, ईर्ष्या से भरते हैं और संभव हो सके तो आप रुकावट डालने के लिए भी तैयार होते हैं। बाकी लोगों के प्रति आप लगभग न्यूट्रल ही रहते हैं। बस ये सबके साथ होता है, ये सांसारिक नियम है। आपके बारे में आपके चाहने वाले और आपसे नफरत करने वाले और आपके प्रति उदासीन रहने वालों का यही नजरिया रहता है। ये समग्र संसार का सच है, संपूर्ण संसार में यही सच है। तो अब आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ गया होगा कि जिस तरह से हम अपने चाहने वालों, अपने से नफरत करने वालों और अपने से उदासीन रहने वालों के प्रति जो नजरिया अपनाते हैं, तकरीबन कमोवेश सब जगह यही तरीका हर लोग दूसरों के लिए अपनाते हैं। दूसरा उपाय, आप दिन में कितने लोगों के बारे में सोचते हैं? मुश्किल से 8-10 लोगों के बारे में। और सोचकर आप उनका क्या बिगाड़ पाते हो? मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं, कम से कम मैं तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर आती है बात बोलने की, आप कितने लोगों के बारे में बातें बोलते हैं? जहां तक मेरा अनुमान है कि आप मुश्किल से 2 या 3 लोगों के बारे में ही बोलते होंगे। बोलना थोड़ा खतरनाक इसलिए है क्योंकि बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं तो लीक होने का खतरा रहता है, जिससे संबंध बिगड़ने का भी की समस्या खड़ी होती है। तो हम बहुत कम लोगों के बारे में बोलते हैं और बोल देते हैं तो उसके नुकसान जो होते हैं वो थोड़े कम ही होते हैं। फिर आती है बात करने की, आप कितने लोगों के लिए कुछ करते हैं, रुकावट पैदा करते हैं या मदद करते हैं? कितने लोगों के, शायद मदद कुछ ज़्यादा लोगों के लिए कर सकते हैं पर रुकावट तो बहुत कम लोगों के लिए करते होंगे, क्योंकि ये तो साफ साफ नज़र आता है, ये तो स्पष्ट रूप से नज़र आ जाता है ना कि आपने रुकावट पैदा की, आप अपराधी की श्रेणी में नज़र आ जाते हैं। तो आप इससे करने से तो बचते ही होंगे, तो मुश्किल से अगर ऐसा करते भी होंगे तो 1-2 लोगों के लिए करते होंगे। आपका फ्रेंड सर्कल, आपके परिजन, परिवार के लोगों की संख्या को अगर देखा जाए तो वो संख्या सैकड़ों से भी अधिक होगी, लेकिन आप एक सीमित लोगों तक ही सीमित रह चुके होते हैं। अपने मित्र, अपने परिजन, जो बहुत निकटस्थ परिजन हैं उनके बारे में, तो बस इतना समझ लीजिए कि लोगों के पास भी आपके लिए अगर उस दायरे में आ रहे हैं तो ही समय है, अन्यथा ज़्यादा समय नहीं है। अब देखिए ना, जो आप दूसरों के बारे में जिस तरह से सोच कर कुछ नहीं बिगाड़ पाते तो लोग भी आपका सोचकर नहीं बिगाड़ पाएंगे। कहकर बिगाड़ पाते हैं थोड़ा बहुत तो उन्हें भी संबंध खराब होने का खतरा तो रहता ही है।
और करके करते हैं वो तो सबको नजर आ जाता है, और उसे हम दुनिया को दिखा भी सकते हैं कि देखो ये मेरे खिलाफ इस तरह से कर रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बहुत सीमित संख्या होती है जो लोग आपके बारे में कुछ सोचते हैं, कहते हैं या करते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा परेशान अगर हम होते हैं तो वह शायद हमारे लिए कहीं भी आगे बढ़ने में रुकावट अगर होती है तो वो अपने स्तर तक ही होती है। मैं उन चार सत्यों को उद्घाटित करता हूँ जो पूरी तरह से सच है, पूरे संसार में सच है, उनमें उनको मैं आपके सामने बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला सच ये है कि इस दुनिया के 90% लोग एक दूसरे की बुराई ही करते हैं, इसलिए आप, हम और यहाँ तक भगवान भी उनकी बुराई करने वाली जुबान पर चढ़ते ही चढ़ते हैं। मतलब कि आपको ये स्वीकार करना होगा कि आप चाहे जो हो, आप चाहे कितनी बड़ी तोहफ़ क्यों ना हो, आपकी बुराई होगी ही होगी। आप भले कुछ भी करें चाहे न करें, बुराई तो होनी तय है, तो इस बात को स्वीकार कर लीजिए। दूसरा सच है, सफल होने वाले लोग अन्य लोगों के बारे में सोचने, कहने या करने से रुकते नहीं हैं। जैसे कोई उनके बारे में कोई सोचता है, कोई कहता है या कोई कर भी लेता है खिलाफ में या कुछ में कुछ में, तो भी वो उसके बारे में या तो अनसुना करने की ताकत रखते हैं, बहरे हो जाते हैं, या फिर बेपरवाह हो जाते हैं, तभी तो वो सफल होते हैं। तीसरा सच, दूसरे लोग आपके बारे में सोचे, कहे या कुछ करे उससे पहले बात तो ये है कि हम ही अपने बारे में सोचते हैं, हम ही अपने बारे में कहते हैं और हम ही अपने बारे में कुछ करते हैं। कैसे, एक छोटा सा उदाहरण दो। अगर आपकी शर्ट का बटन टूट गया है, अगर वो बटन टूट गया है तो उस बटन पर आप ज़्यादा सोचेंगे, उस पर ज़्यादा बात करेंगे कि यार आज तो बटन टूट गया है, और शायद आप उसे बार बार उस स्थान को लोगों को दिखाना भी चाहेंगे। कुल मिलाकर स्थिति ये है कि हम ही ज़्यादा बात करते हैं, सोचते हैं और मतलब ये कहते हैं। तो अब सबसे ज़्यादा जिम्मेवार तो हम खुद हैं, लोगों का ध्यान जाए न जाए हम ध्यान दिला देते हैं, यानी कि दीपक दिया दिखा करके दरवाज़ा दिखा तक ले जाने की कोशिश भी हम ही करते हैं। चौथा सच ये है कि जो इंसान आपके सामने दूसरों की बात करता है वह दूसरों के सामने आपकी बात ज़रूर करेगा, इस बात को सदैव याद रखिए। इन चारों बातों को गांठ बांध लीजिए और जीवन की राह पकड़ लीजिए, कोई परेशानी कभी नहीं होगी। अब बात आती है इस चैनल की। इस चैनल पर जीवन उपयोगी ज़रूरी विषयों पर चर्चा होती रहती है, आपके दिए गए टॉपिक पर भी इस तरह के भाषण रखे जाएंगे समाधान स्वरूप में, सकारात्मक और तार्किक सोच के साथ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वो भी बेल आइकॉन के साथ, ताकि आपको नोटिफिकेशन नए अपलोडेड वीडियो की मिल सके। धन्यवाद। बहुत